बालगढ़ रोड पर बालाजी नगर में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष के लोग देसी कट्टा लेकर आए और गोली चला दी। पुलिस ने हवा में गोली चलाने की FIR दर्ज की है। इससे नाराज पीड़ित महिला रहवासियों को लेकर थाने पहुंची और नाराजगी जाहिर कर उचित कार्रवाई की मांग की। दरअसल बालाजी नगर की सपना जायसवाल की कार को अरमान उर्फ शाहरुख शेख की गाय ने नुकसान पहुंचाया था। इस पर सपना शिकायत लेकर अरमान के पास पहुंची और बोली कि गाय संभाल कर रखा करें। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और कहासुनी हो गई। गाड़ी गाड़ी अरे घर परिवार तो उसको बुलाओ ना, उसको बुलाओ ना, हमसे प्रेम से बात करने का। विवाद और बहसबाजी के बाद अरमान के पिता फारूक शेख दोनों पहुंचे और सपना से अभद्रता करने लगे। अरमान ने कहा सुनी के दौरान देशी कट्टे से दो बार गोली चलाई। अरे नहीं मारे थे। इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ जिसमें आरोपी विवाद करते नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। गोली की आवाज सुनकर कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर खाली कारतूस मिला। इधर कोतवाली पुलिस ने अरमान और उसके पिता फारूक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने FIR में हवा में गोली चलाने की बात को लेकर दोनों के खिलाफ अवैध हथियार रखने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों पर जो FIR दर्ज की है उससे पीड़ित महिला संतुष्ट नहीं है। वह रहवासियों के साथ शुक्रवार को कोतवाली थाने पहुंची और पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। पीड़ित महिला सपना जायसवाल का कहना था कि पुलिस ने FIR में हवा में गोली चलाने की धारा लगाई है जबकि आरोपियों ने सामने से गोली चलाई थी। गनीमत रही कि मेरी जान बच गई। कल हमारा केस हुआ था, हमारी गाड़ी की कांच पास गाय ने फोड़ दिए थे। एक मुस्लिम समाज का लड़का है, उसका पिता और ये लोग हमें मारने आए। मैं बोलने गई इज्जत से उनको कि आपने की गाय ने हमारे नुकसान कर दिया भैया, ऐसी वैसी बात है। तो मैं उनकी गाय को वापस ला रही थी, गाली गुप्ता करके उन्होंने मेरे को रवाना कर दिया। मैं उसकी गाय को वापस ला रही थी, पीछे पीछे सबके सब भाग के आए और दो हाथ में बंदूक लेके आए और आते से ही हम मेरे ऊपर फायरिंग कर दी उन्होंने। वो तो मालिक हनुमान जी पास में बैठे थे, हमारे मंदिर है, तो उसकी वजह से हम लोग बच गए। मेरे आसपास दो चार पाँच सात अभी आप यहाँ कोतवाली थाने पे आए। मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस कार्रवाई से जो इन्होंने कल की है। मार के लाना ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बच्चे तो भी उठा के ले आते हो आप लोग। उस पर कार्रवाई क्या हो रही है और मैं आज चुप नहीं रहूंगी। आज से मतलब नहीं, मैं जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी जब तक चुप नहीं रहूंगी। ये कोई सजा नहीं होती है कि उसको मारकुट के अंदर बंद कर दिया। कड़क से कड़क सजा मिला और कड़ी से कड़ी सजा के बाद उसको छूटने का कोई चांस नहीं मिलना चाहिए। आज उसने मेरे ऊपर फायरिंग की, उसके पास अवैध हथियार आए कहाँ से, और छोटी सी बात बात में छोटी छोटी सी बात में ऐसे हथियार निकाल देंगे लोग तो हम क्या करेंगे। संतुष्ट नहीं होने का कारण ये है कि प्रशासन ने प्रशासन को जो आवेदन दिया था उसमें लिखा था कि हमारे ऊपर फायरिंग करी और प्रशासन ने कि हवा फायरिंग करी जबकि हवा फायरिंग नहीं करी। वीडियो में फायरिंग ऐसे होती है और हाथों से उसने सामने चलाई है। वहाँ पर बच्चे भी लेडीज भी मौजूद थी। अगर कल से हो जाता तो फिर भी यही लिखते हवा फायरिंग। नगर की श्रीमती सपना जायसवाल पति संजय जायसवाल की रिपोर्ट पर दो आरोपी हैं, अरमान से और फारूक से। ये आपस में पिता पुत्र हैं। गाय का विवाद था, आपस में गाय लड़ गई थी तो इनकी सपना जायसवाल जी की कार डैमेज कर दी थी। ये लोग इनको बोलने गए घर पर कि आपकी गाय ने हमारी कार डैमेज कर दी है, तो इस पर से उनकी तुम में हुई। तभी इसने अरमान ने हवाई फायर कर दी है, दो फायर किए हैं। कुछ वीडियो भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जारी हुए हैं। मौके पर एक खाली खोखा भी जब्त किया है पुलिस ने और आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है इन दोनों के विरुद्ध। एक को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है, एक की और तलाश कर रहे हैं अभी, और इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी हम निकाल रहे हैं। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि इनके विरुद्ध कोतवाली में तो एक भी अपराध नहीं है, परंतु बावड़िया थाने में अपराध हो सकते हैं क्योंकि ये उसी क्षेत्र में रहते हैं और प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इनकी तत्काल गिरफ्तारी भी इसीलिए की गई। मैं स्वयं भी मौके पर गया था, अभी हमारी टीम 3 सब इंस्पेक्टर हैं, तलाश कर रहे हैं उस आरोपी।